वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावनी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन की। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस आर दोस हुज डिनोमिनेटर्स आर ऑलवेज सेम, जैसे कि 3/4, 2/4, तो इनके डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 1/3, 2/5, 6/7, है ना, सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट। तो ये बात मैंने कर ली लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे हाउ वी एड लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। Now we will talk about how we add like fractions and how we add unlike fraction. तो मैंने एक example ले लिया like का, ठीक है? 3/4 + 2/4, हमें क्या देखना है, कैसे like पहचानेंगे? Because their denominators are same. What is the LCM of 4 and 4? Very easy to find. किसके table में आता है 4? 2 की। निकल गया एलसीएम। क्या है एलसीएम हमारा? 2 × 2, दैट इज 4, करेक्ट। नाउ जब भी हमें लाइक फ्रैक्शन मिलता है, सिर्फ दो स्टेप ध्यान रखने हैं कि डिनोमिनेटर में सेम आ जाएगा 4 और न्यूमरेटर्स को हम क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारा आंसर आया 5/4। आप देख सकते हो कि ये दोनों कैसे हैं फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन कैसा है? इम्प्रॉपर। सो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू मिक्स आल्सो। सो दिस इज अबाउट हाउ वी ऐड लाइक फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं कैसे ऐड करेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन को। सो स्टूडेंट्स, अनलाइक फ्रैक्शन का मैं एक क्वेश्चन लेती हूं, जैसे कि 4/7 + 3/14। नाउ यू कैन सी बोथ आर अनलाइक। व्हाट टू डू? First step is we will find the LCM of the denominators. So let's find out 7, 14. How I will see? I will see the first prime number, that is 2. In 2 table 7 will come? No, so I will write the 7 as it is. Now in 2 table 14? Yes, 2 7s are 14. Now both are coming in which table? 7. So 7 1s are 7 1s are. What is the LCM? LCM we got is 2 × 7, that is 14. अब आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, दोनों fractions unlike हैं। हम क्यों ना इन दोनों को like बना दें? तो देखते हैं कैसे। 4/7, मैंने पहला fraction लिखा, 7 को यानी अपने denominator को किससे multiply करूं कि वो LCM के equal आ जाए? किससे करूं? 2 से। तो अगर मैं कोई चीज नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी तो करनी पड़ेगी ना। तो अब हम कर देते हैं ऊपर भी। क्या मिला हमें? 4 × 2 = 8 एंड 7 × 2 = 14। तो 4/7 मेरा क्या बन गया? 8/14। अब नेक्स्ट उठाओ 3/14। अब मुझे आप बताओ, क्या 14 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आ जाएगा? 14 में हम 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 14 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या बना हमारा फ्रैक्शन? 3/14। नाउ यू कैन सी बोथ बिकम व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस। सो क्या मिल गया? 8/14 + 3/14, करेक्ट। सिंपली वी हैव टू ऐड देम। सो 8 + 3 = 11 एंड 14 और 14 का एलसीएम 14. सो आवर आंसर इज 11/14. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी ऐड लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू हाउ वी सबट्रैक्ट लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। थैंक यू।